पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की जो पढ़ाई है इसके साथ साथ नमाज भी बहुत जरूरी। पेपर हुआ आज का, बहुत वेरी गुड पेपर हो गया, ऐसा वाला पेपर हो गया। तो मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। उमर का मैंने उमर से बात कहनी चला है, उसके बाद चलते हैं। ये तो एक गंदा वो नजर आ रहा है, सबको पता है कि मामू की हुई है शादी, तो इस खुशी में मामू को दे दी है हमने दावत। और पेपर आया था तकरीबन ऐसे कि पहले जो चार चैप्टर थे उसमें से आए लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैर से होंगे आपको मेरे न्यू व्लॉग में खुश आमदीन। जी हाँ, तो मैं आज पेपर देके फारिग हो चुका हूँ, ठीक है। पेपर मैं आपको बताता हूँ कैसे आया था। पेपर आया था तकरीबन ऐसे कि पहले जो चार चैप्टर थे उसमें से आए लोग, और लोग सारे माशाल्लाह बड़े आसान थे। बारहवें और सोलहवें के थ्योरम आए थे, जिसमें से बारहवें का थ्योरम आया था 12.4, वो मुझे पता था ये वाला थ्योरम है, और मैंने सबसे पहले थ्योरम किया। उसके बाद दो एक पार्ट में दो लोग होते हैं वो किए, तीन लोग करने थे, तीनों के तीनों लोग किए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो पार्ट था वो था पूरे पहले चार चैप्टर में से। अब मैंने वो तो छः सवाल करने थे, नौ में से मैंने छः कर लिए। मैंने कहा यार तीन ये रह गए, ये भी कर लूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो टाइम नहीं। फिर अगला पार्ट था जो एट चैप्टर में से, सेवन चैप्टर में से, सिक्स चैप्टर में से, वो भी हो गया था। उसके से जो अगला था नाइन चैप्टर, टेन चैप्टर, इलेवन चैप्टर, ट्वेल्व चैप्टर, उसमें से ये आए थे सवाल। और माशाल्लाह से जो पेपर हुआ आज का, बहुत वेरी गुड पेपर हो गया, ऐसा वाला पेपर हो गया। और दोस्तों मैंने आपको बतानी थी एक बात। हाँ जी, जी हाँ, जैसा आप सबको पता है कि मामू की हुई है शादी, तो इस खुशी में मामू को दे दी है हमने दावत, और साथ ही हमारी यादों हैं उनकी। माशाल्लाह से साल पहले हो गई थी शादी, लेकिन उनको दावत ही दी थी शादी की, तो कल इकट्ठे उन्हें दावत दे रहे हैं। तो उनको हमने फ़ोन तो कर दिया है, इंशाल्लाह सुबह आएंगे और सुबह हम उनके साथ वीडियो बुलाएंगे। और जो मामू थे उनको पहले कॉल कर दी थी, मामू कहते हैं, मामू तो क्या पहले कह रहे थे हाँ बेटा बुलाओ मुझे, मैं तो बड़े खुश हुआ आपने मुझे दावत में बुला लिया। तो हम मामू इंशाल्लाह सुबह आएंगे, और सुबह आपको मामू से भी मिलवाएंगे, आनो आनो भी जो उनके शोहर है उनसे भी इंशाल्लाह आपसे मिलवाएंगे। और सुबह जो डिशें बनेंगी वो भी मैं आप सबको बहुत ध्यान से दिखाऊँगा। और सुबह मेरी छुट्टी है, क्योंकि सुबह मेरी छुट्टी है क्योंकि उर्दू का पेपर है परसों, और उर्दू आपको पता है कैसा पेपर है, इस वजह से एक छुट्टी दी हुई है उन्होंने। और उर्दू का माशाल्लाह मुझे सारा आता है पेपर, बस ये मसला है कि जो उसका पेपर होता है वो बहुत लेंथी होता है, उसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरे टाइम में पेपर पूरा हो जाएगा। पेपर की तो तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये सुनने का पेपर होता ना तो बात मानो दो मिनट में सुना देता, लेकिन लिखने का तो लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस है माशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप पढ़ाई के साथ साथ दुनिया की जो पढ़ाई है इसके साथ साथ नमाज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह हमने आखिरत अपनी संवारनी, इसलिए नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि जो आप आपके घर में गैर नमाजी है, यानी कि जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको मेरी यही एक बात कहनी है कि वो भी नमाज की कसरत किया करें, क्योंकि इस दुनिया में हम इसी के लिए हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करें, ना कि इस दुनिया में खो जाए। चले अब मैं नमाज़ पढ़े जा रहा हूँ, नमाज से जब आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, और उमर का मैंने उमर से बाल कहनी चलाए, उसके बाद चलते हैं। ये देखे मेरे बाल हैं, और उमर के बाल देखते हैं कितने को बाल हैं। उमर ये टोपी उतारे अपनी, ये देख सकते हैं ये इसके बाल हैं, अब ये उतारेगा तो क्या। उमर ये देखो मेरे बाल, वेयर इज योर हेयर। दोस्तों एक गंजा वो नजर आ रहा होगा, गंजा तो नहीं है बस चोखा बन रहा है, थोड़ा सा इतरा रहा है कि मेरे बाल कहाँ गए। माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा तो बाल हैं इसके, इतने बाल हैं कि कोई बाल गिन नहीं सकता इसके। अब ये देखते हैं, दिखाते हैं कि नहीं अपनी कैप उतारे। आप ज़्यादा इतरा नहीं रहे, आप इतरा रहे, आप इतराते हैं, थैंक्स। इसने नहीं दिखाने, चले छोड़े, बेकार बंदा, बेकार बंदा। तो दोस्तों सुबह छुट्टी है, इंशाल्लाह सुबह मैं आपसे मिलता हूँ। और आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ,
रमजान आ रहा है, रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। जो अच्छा टोपी वाले गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लोगों को दें, ताकि आप रमजान की बरकत हासिल कर सकें। इंशाल्लाह हम भी ऐसे करेंगे, और आप सबको भी मेरा ये मैसेज है, आप भी आगे पहुंचाएं, क्योंकि नेकी की बात जो आगे पहुंचाता है उसको बहुत सी और नेकियां मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। अब हम आपको मिलेंगे नए व्लॉग में। हाय टोपी वाले, अल्लाह हाफिज़।